अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। लाइफ इज़ नॉट अ प्रॉब्लम टू बी सॉल्व बट अ रियलिटी टू बी एक्सपीरियंस्ड। मैं आपके लिए लाया हूँ बेसिक वेंटिलेटर कोर्स, जिसमें वेंटिलेटर कोर्स को बेसिक लेवल पर प्रेजेंट किया जाएगा। कोर्स को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा इंट्रो। आई एम बायोमेडिकल इंजीनियर। आई होप योर कॉन्सेप्ट क्लियर व्हेन यू सी माय वीडियोस। मैंने यूट्यूब पर बहुत सर्च किया इस टॉपिक को, ताकि जो कि बहुत ही एडवांस लेवल की वीडियोस को समझना इजी नहीं था सच तो, लेकिन जब तक आपको इस टॉपिक के रिलेटेड बेसिक नॉलेज नहीं तो आप इसको समझ नहीं पाएंगे। मैं आपके लिए लाया हूँ बेसिक वेंटिलेटर को, जिसमें बेसिक नॉलेज से स्टार्ट करूँगा, ताकि आपको एडवांस लेवल की तरफ जब लेके जाना पड़े तो आपको समझने में आसानी हो। और इसमें मैं आपको हर टॉपिक के एंड में उस टॉपिक के रिलेटेड एग्जांपल को भी एक्सप्लेन करूँगा, ताकि उस टॉपिक के रिलेटेड आपकी कंफ्यूजन दूर रहे और आप भी प्रैक्टिस कीजिए। अगर समझ ना आए तो कमेंट बॉक्स में आप क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर आपको इस टॉपिक के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आप तक सही इन्फॉर्मेशन दे सकूं। और मैं इस बेसिक वेंटिलेटर कोर्स को 10 से 11 वीडियोस में कंप्लीट करूंगा, ताकि हम एडवांस वेंटिलेटर कोर्स की तरफ मूव कर सकें। मैं जस्ट ये बेसिक वेंटिलेटर कोर्स जस्ट एक रिव्यू के लिए दे रहा हूँ, क्योंकि आपको बेसिक नॉलेज पता है कि रिस्पायरेशन क्या है और वेंटिलेशन क्या है। मैं जस्ट इस में आपको एक जस्ट ओवरव्यू दूंगा और वेंटिलेटर के रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन होगी, जैसे उसके मोड्स होते हैं, कंट्रोल मोड, प्रेशर मोड, वॉल्यूम कंट्रोल मोड, उसके रिलेटेड आपको डिस्कस किया जाएगा और ग्राफ में भी रिप्रेजेंट करूंगा उसको, ताकि आपको एडवांस लेवल के जब हम कोर्स में जाएं वेंटिलेटर के, तो आपको उन मोड्स का आसानी से पता हो। Everybody in the world blind. Please, Lord, give me a sign, a sign.